सर पंगोट सबसे पहले नैनीताल से, नैनीताल है, नैनीताल काफ़ी फेमस है, सभी लोगों को मालूम है। नैनीताल से 15 किलोमीटर आगे आके पंगोट मेन गांव है, जो आज से 6 या 7 साल पहले इतना कुछ नहीं था और धीरे धीरे इतना डेवलप हुआ कि आज पंगोट नैनीताल से भी ज़्यादा बड़ा एक टूरिस्ट हब बन चुका है। मैनुअली यहाँ पर ज़्यादातर एक शांत वातावरण के लिए और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, प्लस यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्ड सेंचुरी के लिए ये फेमस हुआ है, जो नंदा देवी बर्ड कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। ये टांकी से गाइखरक तक एक बर्ड सेंचुरी बनाई है, नंदा देवी फॉरेस्ट रिजर्व। उसी में ये चिड़िया देखने के लिए नैना देवी, एक तो नैना पे ऊपर पड़ता है, वहाँ के पर्यटक जाते हैं, वहाँ से पूरा हिमालय रेंज पूरी दिखाई देती है, वहाँ पर चीड़ फिजेंट दिखाई देता है। उसके आगे आके फिर एक हिमालय रेंज दर्शन पॉइंट पड़ता है और वहाँ पर से पूरा हिमालय का व्यू दिखाई देता है। उससे आगे किलबरी रेस्ट हाउस है, जहाँ पर जो है कलेज फिजेंट और तमाम प्रकार की वहाँ पर चिड़ियाँ वहाँ पर भी हैं। वहाँ पर हमने पक्षियों के लिए पौंड बनाए हुए हैं, जिनमें पशु और पक्षी पानी पीते हैं और वहीं पर उनका जो है आश्रय होता है। उसके आगे पंगोट है, जहाँ पर काफ़ी सारे रिसोर्ट हैं, वहाँ पर पर्यटक रुकते हैं। उसके बाद फिर आगे चलते हैं घूघान की तरफ, इधर घूघान और विनायक, विनायक में भी एक चीड़ फिजेंट एरिया है। बाकी यहाँ पे आपका काफ़ी ट्रैक हैं जिसमें कि टूरिस्ट आके यहाँ पर घूम सकता है, जैसे कि चैना पिक ट्रैक, किलबरी ट्रैक और आपका डैन फॉरेस्ट ओक ट्रैक और आपका एक शिव मंदिर ट्रैक। ये 4-5 ट्रैक है जिसमें कि कस्टमर आता है, बहुत आराम से घूमता है और बहुत इजी ट्रैक है। बाकी पंगोट में आपका सबसे ज़्यादा हिमालय काफ़ी अच्छी रेंज है, हिमालय की काफ़ी 360 डिग्री रेंज दिखती है, जो पंगोट से आगे एक विनायक फॉरेस्ट एरिया उस वाली एरिया से। और पंगोट में इस टाइम में 12 से 18 के बीच टोटल होटल एंड रिजॉर्ट्स हैं, जो नैनीताल से काफ़ी कस्टमर यहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद में उन लोगों की हमेशा यही ख्वाहिश रहती है कि हम लोग यहाँ दोबारा आएँगे। और पंगोट एक ओक जंगल है पूरा, जो यहाँ का बांध जिसको बोलते हैं, जिससे कि दिसंबर में यहाँ पर स्नोफॉल होता है, हर ईयर यहाँ पर स्नोफॉल होता है, काफ़ी हैवी स्नोफॉल होता है, जो काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि पंगोट जैसी जगहों में अभी भी स्नोफॉल होता है, प्लस यहाँ पानी रहता है और यहाँ पर शांत वातावरण है।